ये सक्सेस, ये जीत पूरी और पूरी सिर्फ मेरे फादर साहब की सक्सेस है, उनके दृढ़ संकल्प की सक्सेस है। मेरी मदर का देहांत एक रोड एक्सीडेंट में 21 नवंबर 2001 को हुआ था। मैं उस समय 8 साल का था। हमारे हिंदुस्तान में जो एक कल्चर है, एक प्रेशर है, अकेला आदमी बच्चा नहीं बड़ा कर सकता, घर नहीं चला सकता, सब चीज़ें पापा ने इग्नोर की, अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी बना लिया। एक बार भी डिसीज़न लेने में हमने हेजिटेशन नहीं की, वो एक बिग नो ऑल फ्रॉम माई नियर एंड डियर, उनको हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया था। निकल कुछ भी बने, सबसे पहले खूबसूरत इंसान बनना अति जरूरी है। कोई फोर्स है जिसने निकल की बाजू पकड़ के ये स्थान उसको हासिल करा दिया है। बहुत अप एंड डाउन आए, सामाजिक प्रेशर को मैं झेलने में समर्थ रहा। इसके अंदर मोटिवेशन थी कि पापा का संकल्प जो मम्मा को दिया है वो मैंने पूरा करना है। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम निखिल महाजन है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैंने इस साल UPSC 2021 की परीक्षा में रैंक 80 हासिल किया है। ये मेरा 6th और आखिरी अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो प्रेशर और एंग्जाइटी अपने पीक पे थे। उससे डील करना मेरी इस पूरी जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। मैंने रियलाइज़ किया कि प्रेशर और एंग्जाइटी का रीज़न है कि मैं या तो अपने पास्ट फेलियर्स के बारे में सोच रहा हूँ या फ्यूचर सक्सेस की एंटिसिपेशन का प्रेशर ले रहा हूँ कि अगर वो हो गया तो कैसा होगा और अगर वो नहीं हुआ तो कैसा होगा। इन दोनों चीज़ों के बारे में सोचना मेरा प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, और प्रेजेंट ख़राब हुआ तो ना तो आपका पास्ट अच्छा हो सकता है और ना ही आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। आपसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, अर्जुन की द्रोणाचार्य वाली कहानी, सिर्फ पंछी की आँख पे फोकस करना, वो पंछी की आँख क्या है? IAS बनना नहीं है, UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आप उस समय पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन उस समय सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ वो ही पंछी की आँख है। सिर्फ उस पर फोकस रखिए, अपने हर एक घंटे हर एक दिन को अच्छे से यूज़ कीजिए, आपके सामने सारा प्रेशर सारी एंग्जाइटी एकदम ख़त्म हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फील नहीं होंगे। पर ये सब करने के लिए एक जोश चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए। जो आप फेलियर से गुजरते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसका होता है आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फेलियर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इस्टीम पर बहुत बड़ी चोट करता है। उसमें आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही हो उसको कैसे परसू करें? मेरा 5th अटैम्प्ट में प्रिलिम क्लियर नहीं हुआ, मैं कैसे ये सोचूं कि मैं आखिरी अटैम्प्ट में टॉप 100 रैंक हासिल कर सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ? तो इसमें मेरी एक बचपन की जो मेरा सबसे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था उसका बहुत बड़ा योगदान था। मैंने अपनी मदर को 8 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में खो दिया था। बहुत साल तक मैं सोचता था कि क्या मैं किसी तरीके से वो चीज़ बदल सकता हूँ।
पास में जाके किसी तरीके मम्मा को उस दिन रोक लूँ, उनके स्कूल ना जाने दूँ, 5-10 मिनट का गैप ही क्रिएट कर दूँ ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। पर फाइनली वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि एक ही चीज़ है जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो है पास्ट। वॉट इज़ इम्पॉसिबल, वॉट इज़ ऑलरेडी हैपन्ड, एंड हेंस वॉट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग दैट हैज़ नॉट हैपन्ड। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 5वीं अटेम्प्ट में प्री फेल होने के बाद मैं 6वीं अटेम्प्ट में IAS नहीं बन सकता, क्या ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि अपनी मम्मा को पास में जाके बचाना? नहीं, कुछ पॉसिबिलिटी तो है, 0.1% चांस तो है कि मैं IAS अभी भी बन सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने है, अभी वो एग्ज़ाम होना बाकी है, अभी उसकी प्रिपरेशन बाकी है। वो एक चीज़ मेरे मन में घर कर गई, वो एक मोटिवेशन का मेरा सोर्स रहा, जिससे मैंने अपने मन पे, अपनी सारी फियर और एंग्जाइटी पे पूरा कंट्रोल किया, अपने एक एक दिन को, एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, और आज परमात्मा ने उस चीज़ का मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग की, जिसकी वजह से आज मैं एक ऑफिसर के रूप में आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये सक्सेस, ये जीत पूरी और पूरी सिर्फ मेरे फादर साहब की सक्सेस है, उनके दृढ़ संकल्प की सक्सेस है। पूरे समाज का, हमारे हिंदुस्तान में जो एक कल्चर है, एक प्रेशर है, अकेला आदमी बच्चा नहीं बड़ा कर सकता, घर नहीं चला सकता, आप शादी कर लीजिए, आप बच्चे को हॉस्टल भेज दीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, सब चीज़ें पापा ने इग्नोर की, अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी बना लिया। मेरे पास शब्द नहीं है मैं उस पापा के इस सफ़र के बारे में क्या कहूँ, मगर मैं जानता हूँ ये हमारे समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एक मिसाल है कि अ सिंगल पेरेंट एंड अ सिंगल फादर, एक अकेला फादर अपने बच्चे को किस तरह से बड़ा कर सकता है, उसके लिए एक बड़ा सपना देख सकता है, उसके सपनों को अपने सपने बना के अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है। मैं चाहूँगा आज मेरे फादर साहब आपसे अपने उस सफ़र के बारे में, जो उनके चैलेंजेस रहे, उनके बारे में आपसे बात करें, शेयर करें, ताकि जो भी लोग कुछ सिमिलर सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहे हैं, समाज के प्रेशर से, कुछ कन्वेंशन से जूझ रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके अपने सर्कमस्टांसेस से जूझने की और उन पे जीत पाने की। नमस्कार, मैं सुभाष महाजन निखिल महाजन का पिता हूँ। उस भगवान का सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, जब जे नतीजा 30 मई 2022 को आया, लाइफ का यू टर्न हो गया। वो संकल्प जो निखिल की मम्मा को मैंने दिया था जब 2001 नवंबर 21 में एक रोड एक्सीडेंट में वो अपने श्वासों की पूंजी को पूरी करते स्वर्गवास हो गई थी। कहते हैं आसमान से ऊंचा क्या है, तो बहुत अच्छा आंसर किसने दिया है, आसमान से भी ऊपर बाप के सपने अपनी औलाद के लिए, और धरती से भारी कौन सी वस्तु है, तो बहुत ही अच्छा इसका उत्तर मिला, धरती से भारी माँ की ममता। माँ की ममता बाप के सपने दोनों को कंबाइन करके जब हमने अपनी स्वर्गवासी पत्नी श्रीमती सुमति महाजन को संकल्प किया भी जो तेरी ममता थी, जो तूने सपने देखे थे, सोचे थे निखिल के लिए, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और वचन देता हूँ अपनी आखिरी सांस तक
मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर पूरा उतरूं। वो जर्नी स्टार्ट हुई, सोचा समझा, कभी भी किचन का काम नहीं किया था, खाना नहीं बनाया था, बुक्स लेके आया, सीखा खाना कैसे बनाना है, बातचीत की अपने नियर एंड डियर के साथ जो हमारे वेल विशर थे, वो यात्रा शुरू की। सोसाइटी का प्रेशर बहुत था, यंग उम्र थी, निखिल छोटा था, कहते थे भी री मैरिज, बच्चे को हॉस्टल डाल देते हैं, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करिए। इतना बड़ा संकल्प जो निखिल की मम्मा के साथ हमने दिया था, एक बार भी डिसीजन लेने में हमने हेजिटेशन नहीं की, वो एक बिग नो, ऑल फ्रॉम माय नियर एंड डियर, और जितने भी दिखावे के तौर पे मेरे शुभचिंतक मेरे पास आते थे, उनको हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया था। और पूरा फोकस बहुत प्यार और दुलार के साथ, मम्मी और पापा का पूरा प्यार बच्चे को देकर, पूरी उम्मीद थी भी वो सपना पूरा करेगा। उस सपने से पहले एक ख्वाहिश थी, निखिल कुछ भी बने, सबसे पहले खूबसूरत इंसान बनना अति जरूरी है। इसी मकसद को लेके हर दिन इसकी मीनाकारी मैं करता गया। एक फ्रेम मैंने तैयार कर लिया था, वो फ्रेम उसकी मम्मा को दिया हुआ संकल्प भी, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिद भी थी और दृढ़ संकल्प भी था। उस फ्रेम में निखिल की फ़ोटो को फिट करने के लिए मेरे को पूरा मालूम था भी इसकी कटिंग भी करनी है। ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ इन द स्कूल, जनरल नॉलेज के प्रति अवेयरनेस, छोटी छोटी बातें, एक हौसला अफजाई, और सबसे बड़ा इसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करना इन ऑल द फील्ड्स। जब इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया तो प्लस वन प्लस टू नॉन मेडिकल करने के बाद ये बच्चा IIT दिल्ली चला गया। प्रेशर सोसाइटी का बहुत था, अकेला बच्चा कोचिंग ले रहा है, बाहर जा रहा है, तब अब उसकी लाइफ बन गई। फिर वही सोसाइटी का प्रेशर री मैरिज का, लेकिन आखिर में उनको हमने ये कन्वे कर दिया भी ये जन्म इस बच्चे का है, ना मैंने पिछला जन्म देखा है ना मैंने अगला देखा है, ये हर मोमेंट्स इस बच्चे के हैं, यही कमिटमेंट मैंने अपनी विछड़ी रूह को दी थी। आज बच्चा जब 6th अटेम्प्ट में 80th रैंक लेके आया है तो रियली ये महसूस होता है कोई फोर्स है जिसने निखिल की बाजू पकड़ के ये स्थान उसको हासिल करा दिया है। उसका कारण ये था भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चा करता गया, अपनी मेहनत करता गया, जब 5th अटेम्प्ट आई तो प्री क्लियर नहीं हुआ, तो प्री क्लियर ना होने के बावजूद भी कोई ऐसी मेरे अंदर मोटिवेशनल फोर्स थी भी कभी डर नहीं लगा भी ये बच्चा क्लियर नहीं कर पाएगा, ऐसा एक दिन भी खौफ नहीं आया। हौसला दिया
लास्ट चांस, भगवान ने तेरे को भेजा ही इसलिए है भी आने वाले बच्चों का तूने मोटिवेट करना है, भी लास्ट अटेम्प्ट तक लड़ते रहना है। बात इसने मानी, हौसला नहीं छोड़ा, अपने मिशन में चलता गया। जितना भी सोसाइटी का प्रेशर था मैं अपने ऊपर झेलता गया, इसके ऊपर मैंने 1% भी शेयर नहीं किया। इसको एनवायरनमेंट देना मेरा मेन मकसद था। ड्यूरिंग कोरोना काल भी आया तो मैंने ये सोचा भी इस बच्चे को मैं क्या दे सकता हूँ। एनालिसिस किया भी मैं अपनी हेल्थ इसको दे सकता हूँ ताकि इसकी कंसंट्रेशन डिवर्ट ना हो, ए अपने पापा के प्रति चिंतित ना हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मेरी तरफ से सैर करना, योगा करना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी डाइट बेटे को देना, ता जो दोनों बाप और बेटा एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि फिजिकली फिट रहना तो अच्छी सोच और अच्छी अप्रोच की बेसिक ज़रूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ते गए, बड़े ही संतोष से, बड़े ही सब्र से जो भगवान ने दिया था, एक एक पड़ाव क्लियर करते गए। फर्स्ट पड़ाव जब प्री का क्लियर किया, फिर सेकंड पड़ाव मेन का आया, बहुत अप एंड डाउन आए। सामाजिक प्रेशर को मैं झेलने में समर्थ रहा, यही कारण था लास्ट बॉल तक, जब इंटरव्यू की डेट थी 23rd of May, मैं समझ गया था भी इतना लंबा पीरियड है, ये भगवान ने ही हमें दिया है भी खूब सारी तैयारी करनी है इंटरव्यू में। मोर देन 35 इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज इतना एक्सपीरियंस कर चुका था, क्योंकि इसके अंदर मोटिवेशन थी भी पापा का संकल्प जो मम्मा को दिया है वो मैंने पूरा करना है, पूरी कोशिश करनी है, ताकि कोशिश में किसी भी तरह की मेरी 100% फुल पोटेंशियल हो। आगे फल देना ना देना भगवान के हाथ में था। इसी मिशन को लेके इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू देने के बाद हर दिन भगवान के आगे यही प्रार्थना करते थे भी आगे आपकी मर्जी, हमने अपना पूरा 100% दे दिया है। तो मैंने भी इसको बोला, बेटे रिजल्ट जैसा भी हो मेरे को यही खुशी है जो तेरे मम्मा को संकल्प दिया था भी अपना फुल पोटेंशियल दे दिया है, आगे भगवान की मर्जी। तो भगवान ने ऐसा किया जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज निखिल भी बहुत खुश है, उसकी नई इनिंग स्टार्ट हुई है, और मेरे को सबसे ज़्यादा ये खुशी है भी मेरा संकल्प निखिल को मम्मा को दिया हुआ निखिल ने पूरा कर दिया है। मैं भगवान का और निखिल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ भी आने वाली जो मेरे पल हैं ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत रहेंगे, और जब ये दुनिया छोड़ के भी जाऊँगा तो छाती चौड़ी करके जाऊँगा भी मैंने जो संकल्प दिया था वो मैं पूरा करके आ गया। इसके साथ एक सवाल और आता है। मेरा ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से हुआ था, मेरे दोस्त बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मल्टीनेशनल कंपनीज में कमा रहे थे, कईयों की शादियां हो गई थी, बच्चे हो गए थे। उस समय के बीच अपने आप को अपने टारगेट पे फोकस रखना या कोई रिग्रेट फील होना कि शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ऐसी कोई इमोशंस, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ ऐसा थॉट मेरे मन में कुछ बार आया, मगर उस समय मैंने कंपेयर किया, क्या मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना रिग्रेट करूँगा या अपने सपने को छोड़ देना ज़्यादा रिग्रेट करूँगा। हेलो फ्रेंड्स,
UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके mains के answers का proper evaluation होना बहुत important है. और यहाँ पे IAS network with a team of toppers और जिन्होंने latest UPSC के interview दिए हैं, they will help you in your evaluation process. For further details, contact us or visit our website of IAS network. Thank you. फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है, कहते हैं, अगर बाजी इश्क की बाजी हो जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर बाजी इश्क की बाजी हो जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इश्क की बाजी एक ऐसी बाजी है जिसमें जीत के तो अच्छा है ही, पर हार के भी उसका दुख नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहते हो उसके लिए आपने अपना 100% दिया, उसकी एक सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। मेरा जब मेंस और इंटरव्यू हो गए, रिजल्ट्स आने की एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, मगर सैटिस्फैक्शन थी कि मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता था, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सपना जिसको लेके मैं और मेरे पापा कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके लिए हमने अपना सब कुछ दिया, उसकी सैटिस्फैक्शन मेरे से कोई नहीं छीन सकता था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और इसलिए मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर पाया और सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। और ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे उम्मीद है आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल साबित होंगे।